हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे टैक्सिम ओ 200 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, अगर बात करूँ टैक्सिम ओ 200 टैबलेट की, तो यह एक एंटीबायोटिक दवा है। जितने भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होते हैं हमारे शरीर में, उन सब इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो टैक्सिम टैबलेट है, डॉक्टर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में टैक्सिम ओ टैबलेट के बारे में, इसके कौन कौन से फायदे हैं, कितने रुपए का आएगा, क्या कंपोजिशन है, डोज कैसे लेना है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्सिम ओ टैबलेट के बारे में, जिसको अल्केम नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अल्केम बहुत बड़ी कंपनी है, और ये जो है टैक्सिम, एक स्ट्रिप में 10 गोली आता है, 10 टैबलेट आता है, और जिसकी प्राइस 119 रुपया है। देखो, जो दाम होते हैं, जो प्राइस होती है, टाइम के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। फिलहाल आपको 119 रुपये में मिल जाएगा। बहुत ही फेमस है, आपके नज़दीकी मेडिकल पे बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें टैक्सिम ओ के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें सिंगल सॉल्ट डाला गया है, जिसका नाम है सिफिक्जिम। सिफिक्जिम जो है वो 200 डाला गया है, 200 mg डाला गया है एक एक गोली में, तो इसीलिए इसको टैक्सिम ओ 200 टैबलेट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सिफिक्जिम 200 mg डाला गया है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो आपको बैक्टीरिया से जितने भी इन्फेक्शन हुए हैं, उन सब में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर टॉन्सिल हुआ है, अगर गला बढ़ गया है, कुछ खाने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। आपके नाक में कोई इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया के द्वारा, वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। कान में इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे इसका सेवन कर सकते हैं। जो वायरल फीवर होता है तो उसमें इसका सेवन कर सकते हैं। टाइफाइड बुखार जो होता है उसमें इसका सेवन करते हैं। उसके अलावा अगर आपके सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है बैक्टीरिया के द्वारा, तो वहाँ पे भी इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में निमोनिया में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर आपका कहीं कट गया है, घाव है, और उसके साथ साथ और भी कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी इसका सेवन करते हैं। साथ साथ में जिन लोगों को यूरिन यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द, पेशाब रुक रुक के आना, तो वहाँ पे भी इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। बैक्टीरिया के द्वारा कितने भी इन्फेक्शन हो, उन सब में इसका सेवन किया जाता है। सबसे अच्छी बात है, ये ऐसी एक एंटीबायोटिक है जो कि प्रेगनेंसी में भी सेफ है। तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो ज़्यादा दवा नहीं खाना रहता है, लेकिन ये जो दवा है ये प्रेगनेंसी में भी सेफ होती है। तो जो लेडीज डॉक्टर होते हैं, वो महिलाओं को जो प्रेग्नेंट होती है उसको ये देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अपने हिसाब से और भी इसके बहुत सारे यूज करते रहते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट इस टैबलेट का नहीं है। नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, पूरे बदन में खुजली होने लगेगा, पेट में गड़बड़ी कुछ देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन बहुत रेयर चांस, बहुत कम चांस में ये सब देखने को मिलता है। डोज की बात करूं तो मोस्टली इस टैबलेट का यूज दिन में 2 बार ही देते हैं, सुबह और शाम खाना खाने के बाद। इसके साथ और भी बहुत सारे टैबलेट रहते हैं, अकेले भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ एज ए सपोर्टिव मेडिसिन और भी टैबलेट आपको देते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है, 3 दिन देते हैं या 5 दिन देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको 10 से 15 दिन भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सेफ्टी की, तो ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है। डॉक्टर अगर आपको लिख रहा है तो ले सकते हैं, खैर अपने से ना ले। अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है तो आपके लिए सिरप आता है, तो आप टैबलेट बिल्कुल भी ना लें। जो 200 का है वो टैबलेट ना ले, आप सिरप ले सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को ड्राइविंग करते हैं, एल्कोहल यूज करते हैं, उसके अलावा उनको किडनी, हार्ट, लेवर से प्रॉब्लम है, वो अपने से ना ले। और बहुत सारे लोगों को एंटीबायोटिक से प्रॉब्लम होती है, तो वो भी बिना डॉक्टर की सलाह से ना ले। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी टैक्सिम ओ टैबलेट के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।